सवाल विपक्ष आपसे पूछ रहा है रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट डील को लेके। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सवाल होता है कि हर फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत क्या है, ये आंकड़ा सरकार क्यों नहीं सामने रख रही। सवाल उठ रहा है कि क्या यूपीए से महंगी कीमत पर फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे गए। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट लॉकी नहीं है। लॉकी होती है ना सब्जी, ये लॉकी नहीं। इसके अंदर सुविधाएं क्या है, कितनी सुविधाएं दी गई, कितना एडवांस किया गया, किस प्रकार की मिसाइल्स को अंदर से मार करने की क्षमता है, ये सारी चीजों पर प्राइस निर्भर करती है। और 15 साल में गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया। फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट्स बहुत बदली है। मगर मैं एक छोटी सी स्पष्टता कर देता हूं जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाएगी। ये किसी कंपनी से डील नहीं है बॉफर्स की तरह, ना बीच में कोई दलाल है। ये भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड है, और इसमें कोई बिचौलियों का कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। इसलिए इसमें संपूर्ण पारदर्शिता है। कोई कीमतों से गुमराह करना चाहता है तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट जितनी होगी इतनी कीमत बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो आरोप ये लगा रहे हैं कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वो आरोप ये लगा रहे हैं। मगर सौदे में अनिल अंबानी कहीं है ही नहीं, आप बताओ तो। आप भी तो समझते हो, डिफेंस ऑफसेट्स में जो भारत में निर्माण होगा, जो कुछ हिस्से तो ऑफ द शेल्फ आप खरीद रहे हैं 18, बाकी जो हिंदुस्तान में बनेंगे उसमें उनका कहना है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है जिससे कि टाई अप हुआ है, पहले जब यूपीए बात कर रही थी तब वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बात कर रही थी, अब एकाएक अनिल अंबानी आ गए जिनको डिफेंस में कोई तजुर्बा भैया वो फ्रांस की सरकार ने तय करना है कि पार्टनर कौन होगा, एक बात। और दूसरा, वो अपना पार्टनर जो चुने, हमने कीमतें तो तय कर दी, बाद में कौन बनाता है इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं किसी बड़े उद्योग, कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो कांग्रेस के समय की सारी बातें, हमारे समय में कहां से होगी भाई।